झारखंड में नक्सलियों की खिसक रही है जमीन, खिसकती जमीन से नक्सली बेहाल। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को पहुंचाया बैकफुट पर। झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 1983 नक्सली हुए गिरफ्तार। झारखंड में 46 नक्सली हुए मुठभेड़ में ढेर। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से 875 हथियार किए बरामद। कई बड़े नक्सलियों समेत 95 ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सुरक्षा बलों ने 2083 IED बरामद कर नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में करीब 1900 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कई हाई प्रोफाइल नक्सलियों ने यहां पर आत्मसमर्पण किया है और उसकी संख्या 95 है। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नक्सली बैकफुट पर हैं। पुलिस महानिदेशक ने बचे खुचे नक्सलियों के सफाई के लिए जिले के पुलिस अधीक्षकों को टास्क सौंपा है और उनके अर्थतंत्र को खत्म करने की हिदायत दी है। हमारा झारखंड 90% अब नक्सल से क्लियर हो चुका है। जो बाकी 10% बचा है वो चुनिंदा पॉकेट्स में है। हमारा प्रयास रहेगा कि जिन एरिया खाली हो चुके हैं वहाँ की फोर्सेस को निकाल करके हम उन एरिया में डालें जहाँ पर अभी भी इन लोगों की प्रेजेंस है। इधर झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक अभियान AB होमकर ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के थिंक टैंक पर बड़ा प्रहार करते हुए साल 2020 से अब तक 1893 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई बड़े नक्सली नेता भी शामिल है। इस अवधि में 46 नक्सली मुठभेड़ में ढेर भी हुए। तो अगर 2020 से हम लोग अगर देखते हैं, जनवरी 2020 से, तो अभी तक जो कुल अरेस्टिंग माओवादियों की हुई है वो 1893 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। नक्सल रोधी अभियान के क्रम में सुरक्षा बलों का फोकस राष्ट्र विरोधी तत्वों के आपूर्ति चेन को ध्वस्त करने का भी रहा है, ताकि उन्हें शस्त्रहीन किया जा सके। श्री होमकर ने बताया कि अभियान के क्रम में नक्सलियों के पास से 875 हथियार और 2000 से अधिक IED भी बरामद किए गए हैं। इनके दस्तों को पूरी तरह से शस्त्र विहीन करें। इनकी सारी जो सप्लाई नेटवर्क्स है, चाहे वो आर्म्स एमिनिशन की हो, चाहे वो एक्सप्लोजिव्स को हो, उसको ध्वस्त किया जाए। साथ ही साथ जो वेपन्स उनके पास में है उनको हम लोग जब्त करें। सुरक्षा बलों ने सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए दूर दराज के इलाकों में जहां विकास कार्यों को गति देने में सहयोग किया, वहीं लोगों को नक्सलियों के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही उनमें सुरक्षा की भावना पैदा कर व्यवस्था के प्रति विश्वास जगाया। श्री होमकर ने बताया कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 95 शीर्ष नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। अगर 2020 से हम कहेंगे तो अभी तक 95 ऐसे जो शीर्ष माओवादी है उनके द्वारा झारखंड पुलिस और संयुक्त बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। IG ऑपरेशन ने बताया कि राज्य में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है। पारसनाथ, कोल्हान और सारंडा के कुछ पॉकेट हैं जहां ये राष्ट्र विरोधी तत्व अब सीमित हैं और अंतिम सांस से गिन रहे हैं। उनकी एक्टिविटीज सिकुड़ गई है, बहुत कम क्षेत्र में है। थोड़ा बहुत जो है पारसनाथ लुगू का जो क्षेत्र है उसमें छोटी सी कुछ गतिविधि है, कुछ गतिविधि थोड़ी सी जो है लातेहार के क्षेत्र में है, और इसके अलावा अभी जो मुख्य रूप से जो चुनौती है वो हमारी कोल्हान और सारंडा की है। पुलिस और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से झारखंड से नक्सलियों के पैर उखड़ चुके हैं और जनता भी उनकी सच्चाई जान चुकी है। हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कामयाबी मिली है और बूढ़ा पहाड़ जैसे उनके महफूज समझे वाले ठिकाने भी अब ध्वस्त हो चुके हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में भी बुलेट पर बैलेट हावी दिखा और लोगों ने बेखौफ होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेकर यह साबित किया कि अब झारखंड में फिजा बदल चुकी है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार झारखंड में चलाए जा रहे ऑपरेशंस का यह नतीजा है कि झारखंड के कई दुर्गम इलाके जहां पर आज तक नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था, वो चाहे वो बूढ़ा पहाड़ हो या सारंडा के कई इलाके हो, वो एक तरीके से मुक्त हुए हैं और झारखंड में नक्सली अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।